अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी फ्रेंड? ठीक ठाक है। ये है मेरी दोस्त अतीका लाल और ये है कोमल नाज। अस्सलामुअलैकुम। तो ये थोड़ी सी शर्मा रही है, छाए है। तो अभी जो दरवाजा बंद कर दो। अभी मुर्गियाँ बोल रही है पीछे। अभी ये इनको पकड़नी है। अभी ये पकड़ेंगे और जो है ना फिर इनको हलाल करेंगे। उसके बाद हम इनको पकाएंगे देसी तरीके से। तरीका बनाएगी आज आपको, तरीका दिखाएंगे, साथ में इसकी हेल्प करूंगी। देसी माहौल, देसी मुर्गियाँ, मजा आएगा। और हाँ, मेरी बात सुनो, घर की मुर्गियाँ दाल बराबर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, है ना? हाँ बिल्कुल, इंतजार करें। एक मिनट एक मिनट, कर लिया। चले ठीक है, अच्छी बात है। अभी चले आए मुर्गियाँ पकड़ने। इधर इधर दूसरी पकड़ ले। दो मुर्गे एक मुर्गी, अतीका लाल की मुर्गी। अभी इनको हम हलाल करने के लिए जो है ना खुद तो नहीं कर सकते भाई, ये करेंगे। तो पहले इनको हम पानी पिला रहे हैं कि हलाल करने से पहले पानी पिला ले, सांस चढ़ा हुआ ना, इनको सवाब भी मिलेगा। ये देखो लाओ, नीचे करो इसको। ये तो पीर है, ये पीर है, नीचे कर मुंह। चल ये पिएगा, शेर पी लो। शेर तेरी आज इधर आते चकोर माया जे में नहीं चकोर बोले। वाओ वेरी नाइस जी। तो फ्रेंड जी अभी मन्नत की तरफ जाते हैं, वो जो है ना दही भल्ले का सामान बना रही है और फुल्कियाँ भी बना रही है। आ जाए जी मन्नत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये दही क्या कर रही हैं आप? ये मैं इनमें डालने लगी। ये देखिए ये सारा मसाला जो है ना इनका ये बन गया। प्याज, प्याज, टमाटर, मिर्चें और दही डालेगी। अभी आलू जो है ना वो बॉइल हो रहे हैं और साथ में जो चने अभी गर्म हो गए, ये फुलके बनाएगी बेसन के साथ। कमेंट्स में बताना फुलकियों के बारे में कि मैं कैसे बना रही है। इसे टफ काम है, कोई बात नहीं। ये देखो ना आप, औरतों की हिम्मत को सलाम है, कितने मुश्किल मुश्किल टफ काम वो करती हैं। अल्लाह उनको अजर अजीम दे। फ्रेंड जी ये अब लहसुन और अदरक हम इसको जो है ना ग्राइंड करेंगे। ये देखो ये हाथ की मशीन है और इतनी जबरदस्त है ना, मुझे इतनी पसंद आई है। ऊपर से हमने अदरक और लहसुन इसमें डाल दिया। ये देखो ये साइड ऊपर आनी थी ना। और सुनाओ ये पकड़ो जरा, बातें एक मिनट में बात। ये देखना जरा और सुनाओ सब कैसे। ये देखिए, ये देखिए एक सेकंड में, अगर आप थोड़ा जितना भी आप बारीक करना चाहेंगे, जितना आपको पसंद है उतना आप कर सकते हैं। और एक वीडियो और भी बनाना मेरा कमरा की तरह, है ना? दीदी वो बड़े में गाइस मैं मतलब फुलके निकाल रही है, अब निकाल रही है। ये देखो हां फुलकियां, साथ साथ में पानी में डालते जाना। ये पानी में आपके साथ होते रहे पानी वाला चमचा क्यों लगा दिया उसने? ऊपर ऐसे तो नकिया ना गुड़ को। हाँ हाय
पानी है पानी में ऐसे हो जाता है ना पानी पानी तो बहुत है ना इधरा बच गई मैं लाइक कांग्रेस में बात करती हूँ तरबूज काट लो ये अभी विकास तरबूज काट रहा है तरबूज काट लो ये विकास है वो इसका बेटा है माशाल्लाह वो खड़ा है इकट्ठी नाचती थी कभी नहीं अब भी इकट्ठी है अब रहती मेलों पे हम इकट्ठी होती जब परफॉर्मेंस करती थी नाचती थी अब भी नाचती हो अंदर देखे आए हाँ अंदर से आएगा रिजल्ट हाँ बस कितनी प्यारी नाच लगी हुई है दोनों मियां भी भाई बहन है पता नहीं कितना प्यारा वो भी होता है फ्रेंड्स अभी ये हमने हलाल कर लिया है अभी इसका जो है ना मसाला बना के अभी हम हांडी बनाते हैं ये जो मुर्गी थी वो हलाल होके आ गई है तो अभी हमने बहुत इंजॉय भी की वो आप नेक्स्ट हमारे व्लॉग में या इससे पहले आप देख चुके होंगे देखते हैं दोनों में से कौन सा अपलोड पहले करते हैं ये तरबूज की वो जो जेली इसने बना ली है कलर करेंगे इसमें जो हम छिलका ज़ाया कर देते ना उसकी जी तो फ्रेंड जी आलू वाले इसने थोड़े से निकाल लिए हैं अब जो है दूसरे ये प्याज वाले हैं इधर आओ आपको दिखाओ ये दिखाओ जरा ये प्याज वाले हैं ये आलू वाले जो चिप्स बनाएंगे और ये मिर्चों वाले इसे आमचूर लगाया आमचूर मिर्ची लगा के इसको भी तल लेंगे आज तो यमी यमी टेस्टी और जो है ना जबरदस्त जो है ना वो अफ्तारी तैयार हो रही है हमारी तो फ्रेंड जी ये नहीं है कि आप खाली जो तली हुई चीजें खाएं रमजान में जैसे कि आपको दिखाया था हम बादाम भी रगड़ रहे हैं वो भी ठंडे होते हैं और उसके साथ जो है ना अभी फालसे का जूस ये भी हम बहुत ही बेहतर होता है अच्छा होता है तो फालसे का जूस भी हम अभी बना रहे हैं ठीक है ना दिखाओ जरा कितना मजेदार बना है कलर कितना खूबसूरत आया है पकौड़े माशाल्लाह हमारे निकल आए हैं तीनों ही और अभी आगे देख रहे हैं टीका क्या कर रही है गोश्त इसने इसमें डाल दिया है मैंने इसमें गोश्त डाल दिया तीनों मुर्गियां मेरी बात सुनो और इसमें प्याज कट कर दिया ये हमारे मसाले हैं हंडी के लिए मसाले आप जो है ना ये है तीन किलो हाँ तीन किलो तीन किलो मुर्गियां तीन मुर्गियां आपने देखी है उसमें ये कितने चम्मच आप मिर्च के डालेंगे अपने हिसाब से एक चम्मच काली मिर्च दड़ा मिर्च एक चम्मच थोड़ा सा ऊपर हल्दी का चम्मच हल्दी का चम्मच एक एक डाल दो सारों को मसाले का पिसा हुआ और नमक अभी अब सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है और दम लगा देंगे हम जा रहे हैं रोजे के लिए रोजा खोलने के लिए दम पे है और किचन हमारी बहुत बुरी हुई हुई है कोई बात नहीं प्यार के साथ ही ऐसे अच्छी लगती है पता जी मैं कोका और मैं आपकी मशहूर तीन हस्ती मैडम नाप ये देखें आप माशाल्लाह देसी माहौल ये साथ हमारी ये चीज तैयार हो चुकी है ये देखो ये महक ने जो दही बल्ले बनाए थे दही बड़े दही बड़े जो महक ने बनाए थे दही बड़े ये देखो कितने खूबसूरत बने दिखाई थी पहली वीडियो में भी चांदी के बर्तन और ये जग कितना खूबसूरत है ये इंडिया से दुबई से नहीं अतीका लाल का भाई दुबई से लेके आया था और ये हमारी सरदाई और ये फालसे का जूस पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा ये फालसे ये फालसे का जूस है और ये हमारे पकोड़े मिर्चों वाले प्याज वाले आलू वाले सारे खजूर आज माशाल्लाह माशाल्लाह खाना हमारा तैयार हो चुका है जरा ये लुक दिखाओ माशाल्लाह चम्मच से ही लाओ मैं ला लूं बनाया मैं डालो तुम जो पट वाली बोटी ना पट लेग सरेकी में कहते लाता लाता पिछा थी बहुत पसंद है मुझे तंदूर की रोटियां बनवाई हैं ये देखें रोटी दिखाए हाँ सच रोटी तो दिखाओ ये देखो पानी वाली रोटी नहीं होती
वो लिखवाई हमने तंदूर की घर की। टेस्ट भी तो करो। हम जब भी हिचकी ले रहे हैं। अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। माशाल्लाह फ्रेंड, बहुत लगेगा। आ जाए। ओए खाना खाने की दुआ है बिस्मिल्लाह ही बरकतिल्ला। ये भी बता दो अगर भूल जाए तो। अगर भूल जाए तो फिर जो है ना बिस्मिल्लाह ही अव्वलहु व आखिरहु। आ जाए खाएं। ठीक है ना, जब भी याद आए फिर ये पढ़े बिस्मिल्लाह ही अव्वलहु। और या वाजिदु पढ़ने से दिल जितने लुक्मे खाएंगे उतना दिल पे एक नूर पैदा होगा। ये पार्ट सारे इसके। नहीं नहीं तू डाल, मैं इसमें डालूंगी। क्यों है तेरे मेरा? अच्छा चल ठीक। हम दोनों आओ, हम तुम सहेलियां बन जाए। हाँ प्यार बांटे। चलो माशाल्लाह। भाभी मुबशर पुत्र मजा आ गया। हाँ जी अबू जी एक रेखा से लैट दे। ए, ए, मैं खाऊ ना फिर पूछी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया, माशाल्लाह बहुत मजा आया है। अभी जो है ना चटनी बनी है ऊपर से वो खाते हैं ताकि जो है ना हजम जल्दी हो जाएगी रोटी। चलो पूछ तू। हाँ जी अबू जी। वाह भी मुबशर पुत्र मजा आ गया। चटनी बहुत मजेदार है। और हाँ जिस जिसने हमारे चैनल द रियल महक मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हर आने वाली वीडियो कैसे देखोगे आप, है ना। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। और रुको 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 रुको, अभी जाना नहीं। एक और चीज आपको कहा था ना, यहाँ पे हर चीज देसी मिलेगी, जिसको तरस गए हैं। ये क्या है मैडम? टिकड़े। ये टिकड़े हैं तो आपके ऊपर पंजाबी में क्या कहते हैं? शाही टुकड़े। शाही टुकड़े ये घर के बने हुए हैं और जब आप खाना खा लो तो ऊपर मीठे को दिल करे तो आप ये खा सकते हैं ना। ये खराब होते हैं, आप ऐसे रख लें घर में, कितने प्यारी वो है। मैं एक और ले रही हूँ। थैंक यू, कितनी अच्छी हैं आप। क्रंची स्वीट मजेदार। इसकी रेसिपी फिर बताएंगे ये कैसे। हाँ इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा बाय।